वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज फैंटो एक्स वाईटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं iOS डिवाइसेस में पबजी ग्लोबल प्ले करने के बारे में। तो भाई आईपैड हो या आईफोन हो, मेरे काफ़ी सारे भाई लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम जा रही है पबजी ग्लोबल को प्ले करने में। VPN यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पिंग जाती है जो प्लेबल नहीं होती, जिसके कारण काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं भी पबजी ग्लोबल प्ले कर रहा हूँ अपने आईपैड में, जहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग्स एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अप्लाई किए हैं, जिससे मुझे काफ़ी डिसेंट जो पिंग मिल रही है, जो प्लेबल पिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो मुझे मिल रही है। मैं 20 ms पिंग आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि 20 ms 40 ms पिंग आपको मिलेगी, क्योंकि भाई वो डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड ही होती है। आप कितनी भी सेटिंग्स अप्लाई कर लीजिए, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो वो पिंग आपको कभी नहीं मिल सकती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर जियो नेटवर्क के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि जियो नेटवर्क से मैं प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डिसेंट प्लेबल पिंग मिलती है एंड उससे मैं अपना गेम प्ले जो है पबजी ग्लोबल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पाता हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं आईपैड स्क्रीन की तरफ। मैं आपको PUBG ओपन करके दिखा देना चाहता हूँ। अभी मेरा करंट वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, जो मेरे जियो से चल रहा है, मेरा सेकंड फ़ोन जिसमें जियो की सिम लगी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको PUBG ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड जियो इंटरनेट पे ये वीडियो मैंने इसीलिए फोकस किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हमारे भाई लोग हैं वो सारे के सारे जियो इंटरनेट पे ही बन है यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं एयरटेल इंटरनेट से भी स्ट्रीमिंग करता हूँ, जिस पर मुझे काफ़ी बढ़िया पिंग मिल जाती है, 40 to 60 ms के आसपास मिल जाती है। बट जियो यूज़र्स के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर कन्फर्म क्लेम नहीं कर सकता हूँ। जियो का डिपेंडिंग ऑन योर एरिया यहां पर जो है आपको स्पीड मिलने वाली। आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स की स्क्रीन में स्टक हो चुका है एंड मैं यहां पर PUBG ग्लोबल अपने iOS में ओपन नहीं कर पा रहा हूं। तो जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप इसे जरूर से ओपन कर पाएंगे। तो एक छोटी सी स्मॉल सी ट्रिक्स है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसमें भी एक चेंजेस बताने वाला हूं जो आप करके किसी भी तरीके से अपना जो प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टक हो चुका है मेरा स्क्रीन पे एंड पबजी ग्लोबल मेरा लोडिंग स्क्रीन पे फंस चुका है एंड ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको फटाफट से बता देना चाहूँगा एक स्मॉल सी ट्रिक्स। तो आई गेस यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि मेरा पबजी ग्लोबल लोडिंग स्क्रीन में फंस चुका है एंड ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसे फटाफट से क्लोज कर दूंगा, काफ़ी देर तक ये लोडिंग स्क्रीन में फंसा रहेगा एंड उसके बाद मुझे रिस्ट्रिक्टेड एरिया का एक पॉपअप आ जाने वाला है, जो कि जनरली आता है अगर एक गेम ब्लॉक है आपके रीजन में। तो फटाफट से इसे बंद कर देता हूं मैं, इसे बैकग्राउंड से क्लोज कर देना चाहता हूं फटाफट से एंड उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहूँगा किस तरीके से आपको इसे चेंजेस करने हैं। तो फटाफट से आपको सेटिंग्स आइकन में चले जाना है। सेटिंग्स आइकन में जाने के बाद आप यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन देख सकते हैं, जिस भी वाईफाई से आप कनेक्टेड है। तो करंटली मैंने अपने डिफरेंट फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, जिस कारण से मुझे इंटरनेट यहाँ पर अपने आईपैड में मिल पा रहा है। तो आप अपने iOS या आईपैड डिवाइसेस के वाईफाई सेक्शन में जाने के बाद जो भी आपका करंटली कनेक्टेड वाईफाई है उसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर DNS का ऑप्शन लिखा है जो ऑटोमेटिक है। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये DNS सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक्जैक्टली ये एक DNS सेटिंग है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको DNS सेटिंग्स के भी कुछ चेंजेस बता देने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने में PUBG ग्लोबल प्ले कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जैसे ही आप DNS सेटिंग्स में यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड में जाना है। मैनुअल मोड में जाने के बाद आपको भी करंट जो भी DNS सेटिंग्स दिख रही है उसे डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने जो भी DNS सेटिंग्स थी मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब आपको ऐड सर्वर बटन पर क्लिक करना है। ऐड सर्वर बटन पर क्लिक करने के बाद ये DNS जो गेमिंग DNS है इसे आपको यूज़ करना है। तो 185.164.73.180। तो फर्स्ट वाले में आपको ये यूज़ करना है। सेकंड वाले के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा यही DNS आपको यूज़ करना है। फट से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड ऐड सर्वर बटन पे दोबारा से क्लिक करूँगा एंड इसे पेस्ट करें। तो आप देख सकते हो 185.164.73.180, इसे ही आपको दोनों ब्लॉक्स में यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ और आपको दोनों ब्लॉक्स में नहीं लिखना। जो भी डिफरेंट वीडियोस में आपने देखा होगा कि कोई किसी के यूट्यूब चैनल का नाम लिख दो या कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ दोनों ब्लॉक्स में आपको यही DNS सेटिंग्स को यूज़ करना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है एंड सेटिंग से आपको बाहर आ जाना है। PUBG ग्लोबल को ओपन करना चाहूँगा मैं सेकेंड स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मैंने PUBG ग्लोबल पर टैप किया है। नेक्स्ट टू दैट आप PUBG KR वर्जन भी आप
मेरा वहाँ पर देख पाएंगे। पबजी के आर वर्जन को भी मैं यूज़ करता हूँ अपने स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए, जिसके बारे में आपको मैं स्ट्रीमिंग सेटअप अगर आप जानना चाहते कि बजट स्ट्रीमिंग मैं कैसे करता हूँ अंडर 200 रुपीज़, जो मैंने एंड्रॉइड से भी स्ट्रीमिंग कर रखी है, आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखेंगे तो मैंने एंड्रॉइड फ़ोन से भी स्ट्रीम्स कर रखी है, वो भी आपको बता देना चाहूँगा किस तरीके से आप 200 रुपीज़ 150 रुपीज़ के बजट में आप एंड्रॉइड से या iOS से किस तरीके से स्ट्रीम कर सकते हैं विथ इंटरनल ऑडियो एंड एवरीथिंग। अगर आप वो चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखना चाहें तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो करंटली मेरा पबजी लोडिंग स्क्रीन में फंसा हुआ है, जियो इंटरनेट का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस है हमारी वो जियो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं DNS अप्लाई करने का करंट डेट की मैं बात करूँ, आप लेटेस्ट डेट मेरे आईपैड में देख सकते हैं। आपको मैं डेट दिखा देता हूँ, आपने आई गेस यहाँ पर देख ही ली होगी ऑलरेडी, 6:15 हो रहा है 29 मई की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं DNS सेटिंग्स को यूज़ करके पबजी ग्लोबल को प्रॉपरली प्ले कर पा रहा हूँ अपने iOS डिवाइस में। तो देख सकते हैं आप मेरा पबजी यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं आपको 20 ms पिंग का वादा नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ 20 ms पिंग का, बट आपको एक डिसेंट प्लेबल पिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप यूज़ करते हैं इन DNS सेटिंग्स को। बट हो सकता है प्रॉपर्ली सम कभी कभी कुछ डिवाइसेस में ये DNS सेटिंग्स वर्क नहीं करती हैं, तो मेरे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट गेम के स्टार्टिंग में आपको पिंग हो सकता है मोर देन 100 ms देखने के लिए मिल जाए, जो फ्लक्चुएट होके बिटवीन 60-100 ms आ सकती है। तो आप देख सकते हैं मैं गेम प्ले आपको यहाँ पर कंप्लीटली नहीं दिखाना चाहता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा एम सिर्फ और सिर्फ आपका पबजी ग्लोबल प्ले कराना था iOS में। आप देख सकते हो 100 ms के आसपास मुझे पिंग मिल रही है जो कि फ्लक्चुएट कर रही है। तो जियो इंटरनेट की बात करूँ, मेरे एरिया में जियो इंटरनेट का स्टेटस बहुत ज़्यादा बुरा है, आपके एरिया में हो सकता है कि जियो इंटरनेट का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो मैं आपको गेम प्ले यहाँ पर अवॉइड कराना चाहता हूँ, गेम प्ले नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप सिर्फ पिंग पर नज़र देख सकते हैं एंड पबजी ग्लोबल को मैं एक प्लेबल पिंग में यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ। उसके बाद फटाफट से मैं आपको एक और इशू बता देना चाहता हूँ, आईपैड की होम स्क्रीन पर चलते हैं फटाक से एंड एक और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी के में ये DNS वर्क नहीं करती है, तो अगेन उस कंडीशन के लिए आपको दोबारा से सेटिंग्स आइकन में जाना है एंड अपने वाईफाई ऑप्शंस में चले जाना है, सेम जैसे हम लास्ट टाइम हम गए थे। वाईफाई ऑप्शन में जाने के बाद आपको DNS कॉन्फ़िगरेशन में फिर से जाना है, वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर DNS बटन आपको फिर से यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो 180 यहाँ पर जो मैंने यूज़ की है, इसे 180 से अगर आपको 180 में इशू जा रहा है, अगर आप प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसको 148 में चेंज कर देना है, दोनों प्लेसेस पे दोनों ब्लॉक्स में आपको 10 से 148 में चेंज कर देना है एंड आपको सेव क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट अगर आपको इशू जा रहा है तो आप एक बार वाईफाई ऑन करके ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका कोई भी इशू नहीं जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो DNS सेटिंग्स थी उसे चेंज कर दिया एंड पबजी ग्लोबल में दोबारा चला जाऊँगा। रीस्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, तो रीस्टार्ट में आप देख पाएंगे कि मैं पबजी ग्लोबल को दोबारा से प्ले कर पा रहा हूँ विथ बोथ DNS कॉन्फ़िगरेशन। मेक श्योर कि आप DNS के दोनों ब्लॉक्स में सेम DNS लिखें, जो 148 एंड 180 के जो दोनों DNS हैं आपको वही रखनी है, ऐसी किसी भी तरीके की DNS का यूज़ आपको नहीं करना जो कि डिफरेंट DNS हो जिसमें आप इनके अलावा DNS यूज़ कर रहे हो। तो दोनों DNS को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं मिले। मैं लेटेस्ट चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी प्ले कर पा रहा हूँ अपना पबजी ग्लोबल वाइल यूजिंग दीज DNS सेटिंग्स। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आपके डिवाइस में या आपके iOS वर्जन में या फिर पबजी वर्जन में कुछ भी अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपना iOS वर्जन या डिवाइस नेम या एनीथिंग, मैं आपकी उसमें हेल्प कर पाऊंगा। एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा कि किस तरीके से आप डिवाइस स्पेसिफिक चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं एंड उसमें आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाऊंगा। देख सकते हैं आप पबजी लोडिंग स्क्रीन में है मेरा यहाँ पर, जहाँ पर देख सकते हैं 148 वाली जो मैंने DNS थी उसे अप्लाई किया है एंड आई एम एबल to play PUBG with this DNS as well। आप देख सकते हैं मेरा DNS यहाँ पर properly apply हो गया है and PUBG Global पे मैं login कर चुका हूँ। After that एक और issue आती है जो यहाँ पर प्लेयर्स को देखने के लिए मिलेगा। इन DNS सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरा YouTube वर्क नहीं करता है, किसी भी तरीके का इंटरनेट है या जो भी सर्विसेज है वो मेरी वर्क नहीं करती है। मुझे इंटरनेट चलाना है क्योंकि मैं वाईफाई में अब बार बार जाकर अपना DNS चेंज नहीं कर सकता हूँ ऑटोमेटिक टू मैनुअल, तो काफ़ी तो प्रॉब्लम प्लेयर्स को जाती है। तो अगर आपको YouTube अपना वर्क कराना है तो सिंपल 1.1. वाला DNS आपको यूज़ कर लेना है, आप इसको ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद इसको आपको ऑन कर लेना फटाफट से, देख सकते हैं आप ये कनेक्टिंग में जा रहा है। 1.1. सर्च करेंगे आप ऐप स्टोर में तो आपको ये यहाँ पर जो ये ऐप है ये मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हैं दोबारा से यूट्यूब में जाएंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब में यहाँ पर जहाँ पर भाई इंटेंस आज जरूर से होगा।